हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक। वेलकम टू माय चैनल कार्टेक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में। हम सब लोगों को पता है कि एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं और क्यों करनी चाहिए, पर कोई करता नहीं है। अलग अलग बहाने बना के हम एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि क्या हो जाएगा एक्सरसाइज करने से, आज नहीं फिर कभी कर लूँगा। पर एक्सरसाइज को इग्नोर करके हम हमारी हेल्थ को खराब कर रहे होते हैं। हमको अभी पता नहीं चलता, पर फ्यूचर में हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यू आते हैं अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते तो। एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। एक आधा घंटा हम नहीं निकाल सकते 24 घंटे में एक्सरसाइज करने के लिए। आधा घंटा तो हमें निकालना ही चाहिए और निकाल सकते हैं मगर थोड़ा टाइम मैनेज करें। और आधा घंटा सुबह जल्दी उठ जाए तो हम आधे घंटे अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं और हमें हमारी बॉडी को और हेल्थ को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं हमारी लाइफ को। सो, मैं यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ एक्सरसाइज करने के। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला फायदा ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी माइंड एंड बॉडी में एक एंडोर्फिन करके हार्मोन रिलीज होता है जो अच्छा फील, गुड फील कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं आने के, तो पूरा दिन हम पॉजिटिवली काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि हम बहुत एक्टिवली काम कर सकते हैं। पूरा दिन एक्टिव रहते हैं सो हमारे काम को बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। तीसरा फायदा ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज जो है वो वरी और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिलीव करती है एक्सरसाइज और हम पूरा दिन पॉजिटिवली काम कर सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि हमारा बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है, तो बॉडी वेट कंट्रोल में रहने से हमारा फैट, बॉडी फैट है वो भी कंट्रोल में रहता है, तो हमें बहुत सारी कई बीमारियों से भी प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई शुगर, डायबिटीज, इवन कैंसर। ये सब डिसीजेज है, ये सब डिसीजेज से हमारी बॉडी फ्री रहती है जो हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये अभी नहीं पता चल रहा हमें, लॉन्ग टर्म में पता चलता है। हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते लॉन्ग टर्म में हम बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो उस वक्त बहुत लेट हो गया होता है। तो अभी से हम एक आधा घंटा, दिन का आधा घंटा निकाल के एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो हम बहुत लंबी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये पांचवा फायदा था कि हम बहुत हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं बिना किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के। छठा फायदा ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या कोई एडिक्शन है तो एक्सरसाइज करने से वो स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज करने से वो स्मोकिंग या कोई बुरे एडिक्शन को धीरे धीरे उसको बंद कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। ये एक्सरसाइज का बहुत बड़ा फायदा है। सातवां फायदा ये है कि हम एक्सरसाइज करने से हमें बहुत अच्छी नींद आती है और अच्छी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जो बॉडी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए। अच्छी नींद आने से हम सुबह अच्छे से फ्रेश उठ सकते हैं और पूरा दिन अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। सो, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है एक्सरसाइज करने के जो मैंने बताए, पर ये 15 दिन या एक महीने एक्सरसाइज करने से नहीं आएंगे। कई लोग होते हैं जो एक महीना दो महीना एक्सरसाइज करते हैं फिर बंद कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज है उसको रेगुलर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक्सरसाइज करने में, रेगुलर डेली आपको करनी चाहिए। ये एक या दो महीने की गेम नहीं है, रेगुलर कंसिस्टेंसी होगी तभी ये सब फायदे आपको मिलेंगे। अगर एक्सरसाइज बंद कर दी तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको अकेले एक्सरसाइज करना मजा नहीं आता या कोई मोटिवेशन नहीं मिलता तो आप किसी अपने फ्रेंड या जिम में कोई एक्सरसाइज पार्टनर रख सकते हो जिससे आपको मोटिवेशन मिले जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का, वो एक अच्छी बात है। और मेन थिंग इज आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। आपको पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने में। पेशेंस होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे एक्सरसाइज करने के, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से नहीं फायदा होता। सो, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज करने के क्या क्या फायदे हैं और करनी ही चाहिए, एक्सरसाइज इज मस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो या कोई वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आगे जो भी वैल्यूएटेड
जो वीडियोज आने वाली है वो आपसे मिस ना हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. सी यू सून.